गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो आज टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो आज का किस टॉपिक पे बनने वाला है। जी हाँ, मुझे कई दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आफ्टर माय डिलीवरी कि आपका बेली का लाइन कैसा था, आपका प्लेजेंटा का पोजीशन कैसा था, उस टाइम पर आपको क्या खाने को मन करता था, फूड क्रेविंग क्या था। तो मैंने सोचा चलो इस बारे में, इस टॉपिक पर एक वीडियो ही बना देते हैं, क्योंकि मैं भी समझ सकती हूँ जो लोग अभी प्रेग्नेंट है उन लोगों को भी एक क्यूरियसिटी होगी कि बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल होने वाली है। क्योंकि वो टाइम पे मुझे भी बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी था बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल क्या होने वाला है। वैसे ये तो बेबी बॉय या फिर गर्ल कोई ज़्यादा प्रेफरेंस है ऐसा कुछ नहीं है। मेरे टाइम पे तो मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को बेबी गर्ल ज़्यादा पसंद था, लेकिन हम लोगों को हो गया बेबी बॉय। तो ये वीडियो को आप गलत मतलब मत निकालना, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए चलिए एक वीडियो बना देते हैं। तो इस वीडियो पे आज हम बात करने वाले हैं कि मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे कौन से सिम्टम्स थे। तो आप लोगों को पता ही है कि मुझे बेबी बॉय हुआ है, अभी 2.5 मंथ्स है उसका एज। तो आइए बात करते हैं मेरे सिम्टम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स है जो मेरी बेबी गर्ल की तरफ ही जाते हैं, लेकिन मुझे हुआ है बेबी बॉय। बहुत कुछ सिम्टम्स है जो मेरी बेबी बॉय की तरफ ही जाते हैं, तो मैं वो सारे सिम्टम्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट मैं बात करूँगी फूड क्रेविंग की अगर बात करूँ तो मुझे नॉर्मली तो मीठा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे वो टाइम पर मीठा खाने को बहुत ज़्यादा मन करता था। नॉर्मली कहा जाता है कि अगर मीठा खाने का आपको मन हुआ तो आपको बेबी गर्ल होता है, लेकिन मेरे केस में मुझे बेबी बॉय हुआ था, तो ये सिम्टम्स भी मेरे मैच नहीं हुआ। अब बात करती हूँ नेक्स्ट FHR, जो लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मेरी FHR मतलब फेटल हार्ट रेट क्या था। मोस्टली मेरा फेटल हार्ट रेट 150-157 BPM, मतलब 150 से 160 के अंदर रहता था। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर बिलो 140 है तो बेबी बॉय होने की चांसेस है, अगर मोर देन 140 है तो बेबी गर्ल होने की चांसेस है। तो इन दैट केस कभी मैं भी सोचती थी शायद मुझे बेबी गर्ल होने वाली है, लेकिन एट लास्ट मुझे बेबी बॉय ही हुआ, तो मेरा ये सिम्टम्स भी मेरे साथ मैच नहीं हुआ। अब बात करती हूँ मैं स्किन की ग्लो या फिर हेयर फॉल की। तो हाँ, ये कहा जाता है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो हो रहा है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है, अगर आपका स्किन डल हो रहा है तो आपको बेबी गर्ल होने वाला है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो बेबी गर्ल है वो माँ की सारे खूबसूरती अपने आप लेके चला जाता है, लेकिन उस टाइम पे मेरे स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था। इवन PCOD की वजह से मुझे जो पिंपल्स वगैरह था वो भी मेरा एकदम क्लियर हो गया था, मेरे बाल का थिकनेस भी नॉर्मल था। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ठीक हो गया था, ऐसा नहीं कि मेरा बाल बहुत ज़्यादा झर रहा था। तो हाँ, ये सिम्टम्स मेरा मैच हुआ था बेबी बॉय के साथ। अब बात करती हूँ नेक्स्ट सिम्टम की, मॉर्निंग सिकनेस की बात करती हूँ। मॉर्निंग सिकनेस मेरा बहुत ज़्यादा था। मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस में प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने शेयर भी किया था मेरे प्रेगनेंसी सिम्टम्स पे कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, उल्टी वगैरह मुझे मॉर्निंग पे बहुत ज़्यादा होता था। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको वोमिटिंग या फिर मॉर्निंग सिकनेस वगैरह बहुत ज़्यादा होती है तो आपको लड़की होती है। तो इन दैट केस मेरा ये सिम्टम्स भी मैच नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे लड़का हुआ है एटलीस्ट। ओके, अब बात करती हूँ नेक्स्ट सिम्टम की। कहा जाता है कि आपका जो बेबी बम्प है वो अगर सामने के तरफ से है तो आपको बेबी बॉय होता है, और अगर वो नीचे के तरफ से थोड़ा आगे है तो आपको बेबी गर्ल होता है। तो इन दैट केस ये सिम्टम्स मेरा मैच हुआ है, क्योंकि मेरा बेबी बम्प बिल्कुल सामने के तरफ से राउंड शेप में आ रहा था। अब बात करती हूँ मैं, जिसका सवाल मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स पे आता था कि मेरा प्लेजेंटा का पोजीशन क्या था। मेरा प्लेजेंटा का पोजीशन पोस्टेरियर था। तो ये कहा जाता है कि पोस्टेरियर अगर प्लेजेंटा का पोजीशन है तो आपको बेबी बॉय होने वाली है, और अगर इंटीरियर पोजीशन है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो इन दैट केस मेरा ये सिम्टम्स मैच हुआ था, क्योंकि मेरा पोस्टेरियर पोजीशन था प्लेजेंटा का और मुझे बेबी बॉय ही हुआ था। अब बात करती हूँ मैं नेक्स्ट सिम्टम्स की अगर बात करूँ तो मुझे कौन से साइड पे सोना अच्छा लगता था। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैं मोस्टली सोती थी लेफ्ट हैंड साइड पे, मैं राइट हैंड साइड पे सोना उस टाइम पे थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। तो सब यही कहते कि अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में सोना पसंद है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है, और अगर राइट हैंड साइड में सोना पसंद है तो इन दैट केस आपको गर्ल होने वाली है।
तो ये सिम्टम्स से मेरी मैच हो गया है, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड में ही सोना पसंद करती थी और मुझे बेबी बॉय ही हुआ था। अब नेक्स्ट बात करती हूँ मैं बेली लाइन की। इसका भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मेरी चेस्ट से जो नीचे की तरफ एक बेली लाइन जाती है वो सीधी थी या फिर जिगजैग टाइप का थी। जी हाँ, मेरा वो लाइन एकदम प्रॉपर सीधी थी। तो ये कहा जाता है कि अगर वो सीधी लाइन है तो आपको बेबी बॉय होने वाली है, अगर वो जिगजैग टाइप है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो इन दैट केस मेरा ये सिम्टॉम भी मैच हुआ था, क्योंकि मेरा बेली का लाइन एकदम प्रॉपर था जो कि बेबी बॉय के साथ मैच होता है। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करूँ तो ये है मूड स्विंग्स। तो ये कहा जाता है कि मूड स्विंग्स अगर आपका बहुत ज्यादा होता है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है, अगर मूड स्विंग्स आपको बहुत ज्यादा कम है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो ये ऑनेस्टली मैं कहूंगी कि मेरा मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा नहीं होता था। हाँ होता था, कभी कभी मुझे डिप्रेस्ड फील होता था, थोड़ा थकान महसूस होता था, लेकिन बहुत ज़्यादा मूड स्विंग, जैसे कोई कोई कहते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा रोना आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, मुझे वैसा बहुत हाई पिच में कभी नहीं हुआ था। तो इन दैट केस ये सिम्टम्स को भी आप बेबी गर्ल के साथ कंसिडर कर सकते हो, जो कि मेरे साथ मैच नहीं होता है। नेक्स्ट बात करती हूँ बेबी मूवमेंट की। ये कहा जाता है कि बेबी मूवमेंट अगर आपको बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है तो बेबी गर्ल होता है, और बहुत थोड़ा बहुत लेट में अगर स्टार्ट होता है तो वो बेबी बॉय होता है, बॉय का सिम्टम्स होता है। तो इन दैट केस मेरा ये सिम्टम्स मैच हुआ था, क्योंकि मुझे याद है प्रॉपरली मेरा जो बेबी का मूवमेंट था मुझे थोड़ा बहुत लेट में स्टार्ट हुआ था। अराउंड 6 मंथ से मुझे ये लगा था कि हाँ अभी मुझे बेबी का मूवमेंट हो रहा है। मुझे घर वाले सब पूछते रहते थे कि 3 मंथ्स की एड सी या फिर 4 मंथ से कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। तभी मुझे कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा था। अराउंड 6 मंथ, 6 मंथ की एंड से जाके मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा था कि हाँ बेबी मूवमेंट हो रहा है। तो इन दैट केस ये सिम्टम्स मेरा बेबी बॉय के साथ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरे सारे सिम्टम्स जो कि मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फील होता था। मुझे कमेंट्स, आई थिंक कि मुझे जो जो कमेंट्स आ रहे थे सबका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। तो एंड में मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगी, देखिए इन सब चीज़ों का कोई साइंटिफिक रीजन, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। इन सब चीज़ों में आप ध्यान ज़्यादा मत दीजिए कि यही हुआ मतलब बेबी बॉय, ये सिम्टम्स है मतलब बेबी गर्ल। आप लोगों ने मेरे वीडियो अगर अच्छी तरह से देखा होगा तो आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि मेरे बहुत सारे सिम्टम्स बेबी गर्ल की तरफ जाती थी। तो सबसे सुन के मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद मुझे बेबी गर्ल होने वाली है, लेकिन मुझे एट लास्ट हुआ बेबी बॉय। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब 100% आप एश्योर मत होइए कि ये हुआ तो बेबी बॉय ही होगा, ये हुआ तो बेबी गर्ल ही होगा। ये वीडियो मैंने बनाया था क्योंकि जो लोग अभी प्रेग्नेंट हो, आई कैन अंडरस्टैंड देयर क्यूरियोसिटी। एक टाइम पे मुझे भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, तो सब मुझे पूछते रहते थे, इसीलिए मैंने उन लोगों को हेल्प करने के लिए वीडियो बनाया। लेकिन प्लीज़ फ्रेंड्स, ये सब चीज़ों में आप ज़्यादा यकीन मत कीजिए। लोगों को अगर टाइम पास के लिए ये सोचना है, मतलब कोई भी प्रेडिक्शन जस्ट नॉर्मली टाइम पास के लिए अगर आपको करना है तो आप ये कर सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ बिल्कुल भी मीनिंगलेस है। ये सब चीज़ों में आप ज़्यादा यकीन मत कीजिए। ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, एक रिक्वेस्टेड वीडियो। आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे जाके मैं जो भी वीडियो अपलोड करती रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय।